Hello student and welcome back to my channel. Today we will start question number 16th of exercise 6.3. So let's start. See, question number 16th is, if AD and PM are median of triangles ABC and PQR respectively, where ABC is similar to triangle PQR, prove that AB by PQ is equal to AD by PM. आपको बोला है AD एंड PM मीडियन है ट्राइंगल ABC एंड PQR की, तो डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका ABC, राइट? यहां एक ट्राइंगल बनाते हैं PQR, ठीक है बच्चों? अब AD मीडियन तो हमने यहां से लिया, ये मीडियन। PM मीडियन ये यहां से लिया, ये मीडियन। अब देखिए मीडियन है तो इसे मीडियन यानी कि मिड पॉइंट से है तो ये आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल, राइट? अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है वो देखिए। गिवन ट्राइंगल जो है वो दोनों सिमिलर हैं, यानी कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। सिमिलर है तो इन विच क्या क्या चीज आपको गिवन होगी, ए बी बाय पी क्यू equal to AC by PR equal to BC by QR, ठीक है? यानी कि जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये इसके प्रोपोर्शन, ये इसके प्रोपोर्शन, ये इसके। एंड और क्या चीज गिवन हो सकती है, एंगल A equal to एंगल P, एंगल B equal to एंगल Q एंड एंगल C equal to एंगल R। ये तो आपका आ गया गिवन पार्ट में जो जो चीज आपको गिवन थी। अब हम लिखते हैं टू प्रूफ। हमें प्रूफ करना क्या है, हमें प्रूफ करना है ए बी प्रोपोर्शनेट टू पी क्यू इक्वल टू ए डी प्रोपोर्शनेट टू पी एम, यानी कि हमें ये और ये इसके प्रोपोर्शन में चाहिए। अब देखिए हमें जब ये दोनों प्रोपोर्शन में चाहिए तो हम इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, जिससे कि हमें ऑटोमेटिकली ये चीज मिल जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे। तो प्रूफ, सबसे पहले हमें या तो बीडी और एडी ये कैसे तैसे चाहिए। तो हम जानते हैं कि ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, ये तो हमको गिवन है, ठीक है? अब देखिए ए बी और पी क्यू एज इट इज उतार लेते हैं। अब ए सी पी आर भी ऐसे ही ले लेते हैं। बी सी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी डी, और उसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ क्यू एम। ऐसे ना लिखना हो तो हम बी सी को लिख सकते हैं बी डी बाय टू और क्यू आर को क्यू एम बाय टू। दोनों ही कंडीशन में आपका बी डी और क्यू एम आपको मिल जाएंगे। तो हम लिख देते हैं ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देते हैं ये वाला बी डी बाय क्यू एम, इसे देते हैं नंबर वन, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, यही दो ट्राइंगल ले लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो हमारे पास हमारा जो कंडीशन है वो मिल जाएगी। देखिए हमने ये ले लिया बी डी क्यू एम, तो अब हम यही दो ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, दोनों ट्राइंगल ले लिए। एक चीज तो अभी हमने प्रूफ कर दी वो लिख लेते हैं, ए बी प्रोपोर्शनेट टू पी क्यू इक्वल टू बी डी प्रोपोर्शनेट टू क्यू एम फ्रॉम फर्स्ट, यहां से आ गया। सेकेंड, ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल में बी और क्यू ऑलरेडी इक्वल है, जो कि हमें क्या है गिवन, राइट? देयरफोर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय साइड एंगल साइड, एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। दोनों आ गए,
जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए सो हम लिख सकते हैं ए बी प्रोपोर्शनेट टू पी क्यू इक्वल टू ए डी प्रोपोर्शनेट टू पी एम इक्वल टू बी डी प्रोपोर्शनेट टू क्यू एम। अब देखिए हमने तीनों लिख लिए, हमें चाहिए क्या था, ए बी पी क्यू ए डी एम, ये आपको जो ये चीज थी ये आपको मिल गई, आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड सिंपल। अगर आप ये लिखा भी रहने देंगे तो भी ये सही है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। होप ये एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। टिल देन बच्चों टेक केयर, बाय बाय।